अखिलेश यादव इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, इसलिए वो गए थे और जा करके, और वहाँ पे उनको जवाब भी मिला। अखिलेश यादव वहाँ गए थे राजनीति करने, वहाँ जातिवाद करने गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं सांसद दिनेश लाल यादव जी। देवरिया का फतेहपुर वह गांव जहां पर बीते 2 अक्टूबर के दिन 6 लोगों की जान चली जाती है सिर्फ जमीनी विवाद में। वहां पर नेता, राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन सांसद दिनेश लाल यादव जी अभी तक नहीं पहुंचे। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि वहाँ सांसद अखिलेश यादव गए थे राजनीति करने। ऐसा क्यों आपको लगता है? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि वो गए थे राजनीति करने, मुझे नहीं पूरी दुनिया को लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है कि किसी जमीनी विवाद में किसी का परिवार उजड़ जाए, तो ऐसे जगह पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की घटिया राजनीति हम लोग न करते हैं, न ऐसा करने में विश्वास रखते हैं। अखिलेश यादव इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, इसलिए वो गए थे और जा करके, और वहाँ पे उनको जवाब भी मिला। बच्चे ने कह दिया हमको उनसे मिलना ही नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं पे अगर कोई दुखद घटना होती है तो वहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अखिलेश यादव वहाँ गए थे राजनीति करने, वहाँ जातिवाद करने गए थे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस तरह का जातिवाद वाली राजनीति करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं गया। सर, ऐसा आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव वहाँ पे गए तो जातिवाद वाली राजनीति करते हैं, जबकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी नेता लोग गए जो कि सत्यप्रकाश दुबे के घर गए लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद यादव के घर नहीं गए, और कुछ ऐसे नेता गए वहाँ पे जो प्रेमचंद यादव के यहाँ गए और सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ गए, वहाँ उनके यहाँ नहीं गए? तो बताइए, राजनीति कौन कर रहा, पब्लिक कर रही है या नेता कर रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जिस नेता को वहाँ दुख के घड़ी में भी राजनीति करनी है वो कर रहे हैं, हमको नहीं ऐसी राजनीति करनी है। नहीं सर, फिर सर, जब दुखद कहीं पे भी घटना हो जाती है तो उसके विषय में ये जानना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, किसी का भी परिवार हो, किसी जाति, धर्म, बिरादरी का हो, किसी का परिवार उजड़ जाता है, ये ठीक नहीं है, ये दुखद है। और हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि जर जमीन ये तो रह जाएगा यहीं, उस जमीन के लिए किसी बच्चे के परिवार को उजाड़ देना, किसी के माँ बाप को मार देना, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह का घटना तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर ऐसी दुखद घटना कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा, जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको जो है कानून सजा देगा। बाकी जो नेता लोग जाके अपनी नेतागिरी करते हैं वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है वो गलत है। सर, अभी तक इस घटना को आप भी टीवी पर, मोबाइल में देखे होंगे, आपको क्या लगा इसमें दोषी कौन है? मुझे लगता है कि ये ना मेरा काम है ना ये आपका काम है जी, ये कानून का काम है जी, इसीलिए तो हमने पूछा कि दोषी कौन है, इतनी बड़ी घटना आखिर हुई कैसे? वो कानून बताएगा और वो कानून का काम है। न मैं कोई होता हूँ किसी को दोषी बोलने वाला, न आप कोई होते हैं किसी को दोषी ठहराने वाला। कानून उसकी जांच करेगा, कानून बताएगा कि इसमें कौन दोषी है, किसने गलत किया, क्यों किया, तो ये कानून का काम है और वो कानून को करने दें। लोग तो सर दोषी बना रहे हैं प्रशासन को कि प्रशासन इसमें दोषी है, अगर समय रहते हुए इस समस्या का समाधान किया गया होता तो आज ये घटना नहीं होती और दोनों परिवार जिंदा होते। मुझे लगता है कि इसीलिए तो जो लोग अगर उसमें लापरवाही बरते थे सस्पेंड हो गए। अगर किसी भी अधिकारी के लापरवाही की वजह से ऐसी दुर्घटना होती है तभी तो कानून उसको सस्पेंड करता है, सस्पेंड हो गए वो। क्या आपको लगता है सस्पेंड करने से, 10-20 लोगों को सस्पेंड करने से ये जो कर्मचारी लोग हैं सही ढंग से काम करने लगेंगे? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिस भी पद पे कोई होता है उसको ये समझना चाहिए कि उस पद की गरिमा को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इस देश में कानून ही सर्वोपरि है। कानून का भय हर किसी को होना चाहिए और कानून के दायरे में रह के सबको चलना चाहिए। अगर कोई भी कानून तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है,
तो उसको सजा होनी चाहिए, वो चाहे कोई हो, सबके लिए, चाहे वो एक गरीब आदमी है, चाहे कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, सबके लिए कानून समान है। तो कानून का भय भी सबको होना चाहिए, और कानून का डर अगर सबके अंदर होगा तो निश्चित रूप से कोई भी अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचेगा। इस घटना को 20 दिन हो गए, हम एक बार फिर वही सवाल आपसे पूछेंगे कि सारे लोग पहुंचे वहां पे, बहुत लोग, नेता, मंत्री, विधायक, सभी लोग पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे, और गोरखपुर के हॉस्पिटल में योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी पहुंचे वहां बच्चे को देखने के लिए, लेकिन आप यहां से देवरिया तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर होगा, आप क्यों नहीं गए अभी तक? मुझे जब पता चल जाएगा किस वजह से हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी उसके बारे में पूरा जब तक जान न लूँ और ऐसे ही जाके वहाँ नेतागिरी करने लगूँ जहाँ पे एक ऐसी घटना हुई है जहाँ की एक परिवार उजड़ गया है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस तरह का बचकाना हरकत करना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ के विधायक होंगे, जो वहाँ के सांसद होंगे, जो वहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति, जो भी उस जिले के होंगे, उस जगह के होंगे, वो लोग वहाँ देख रहे होंगे, और जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं भी जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना पूरे तथ्य को जाने कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और अब किसी के जा करके वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि और भी कुछ गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले वहाँ मामला समझ में आ जाए, सबको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई गलती किसकी थी और किसने ऐसा किया, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी जाऊंगा उसमें। सर जी आप सांसद हैं, आपको तो इस घटना का संज्ञान सबसे पहले लेना चाहिए था, और आपकी सरकार भी है। बिल्कुल, और घटना हम लोगों को पता चली गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है, पहले कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून बताएगा ना, कानून वो जाँच करके निकालेगा कि इस पूरे घटना में कौन लोग दोषी हैं और किस वजह से ये हुआ। वो कानून जब तक पूरी प्रक्रिया ना कर ले उसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सत्यप्रकाश दुबे के 5 परिवार को जिसने मारा था, नवनाथ मिश्रा, उसने कबूल किया कि हमने ही इनके परिवार को मारा था, लेकिन प्रेमचंद यादव के परिवार को मारने वाला अभी तक पता नहीं चल पाया, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो कानून का काम है और कानून उसको खोजेगा। अगर किसी ने ये जिम्मेदारी लिया है कि उसने ये हत्या की है, तो जो भी उसके पीछे अपराधी होगा बचेगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि और आज के समय में कोई अपराध करके बच पाएगा, वो कितना भी शातिर अपराधी हो कानून से बच नहीं पाएगा। सर एक बार हम फिर पूछेंगे, इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन हो सकता है या है? ये अधिकार न मुझे बोलने का है ना आपको बोलने का। मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि ना आप कोई होते हैं किसी को दोषी बोलने वाले, ना मैं कोई होता हूँ। ये कानून का काम है और कानून बताएगा कि कौन दोषी था कौन नहीं था। वो कानून की प्रक्रिया है, वो कानून को करने दीजिए। ना आप ज्योतिष बनिए ना हमको ज्योतिष बनाइए कि कौन हो सकता है। बिल्कुल सर, ये तो हमारा आपका काम नहीं है। जहाँ तक हमारा मानना है, और शायद यहाँ पे जितने लोग हैं सबका सहमति हो इसमें, कि सबसे बड़ा दोषी वही है जिसने प्रेमचंद को मारा। अगर वो प्रेमचंद को नहीं मारा होता तो आज दोनों परिवार जिंदा होते, इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि वो चाहे जो भी हो, आप जिस तरह का सवाल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, वैसा नहीं होता तो वैसा होता, तो ये तो कोई मतलब नहीं है ना कि जो हो गया उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। वो किस वजह से हुआ वही तो कानून का काम है, उसको जांच करेगी और पता करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। सबको पता है कि 2014 से सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से और प्रेमचंद यादव के परिवार से झगड़े चल रहे थे, कोर्ट में था, उस पर मुकदमा भी चल रहा था, और ये जमीनी विवाद था। उनका भाई सत्यप्रकाश दुबे का भाई आके प्रेमचंद को जमीन किसी कारणवश से लिख दिया था, उसी को लेके चल रहा था, और वहाँ के DM SDM सभी लोग, लेखपाल से लेके सभी लोग जानते थे। तो जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी निश्चित रूप से। अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और इसके पीछे अगर कोई दोषी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के इस घटना को होने दिया, तो वो बचेगा नहीं, उसको सजा होगी निश्चित रूप से होगी। प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही थी, आप इससे सहमत हैं? ये फिर मैं कहूँगा आपको कि आपके मेरे सहमति से कुछ नहीं होता, ये कानून तय करेगा। भाई आपका हर सवाल ही उल्टा पूछ रहे हैं आप, मैं यही बताने की कोशिश, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये सही है ये सिचुएशन में क्या नहीं, हमारी सर विषय ही नहीं है ना। 1 मिनट
जहां पर 6 लोगों की जान चली जाती है, उस मामले को सबसे पहले देखना चाहिए, उसको संज्ञान में लेना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, आगे ना हो सके ऐसी घटना, उसकी जांच करनी चाहिए, पहले बुलडोजर चलाना चाहिए। वो कानून तय करेगा, वो हम और आप तय नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये विषय हमारा आपका नहीं है, ये कानून का काम है। देखिए सर, ये बहुत दुखद घटना है, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम, इसलिए आपसे ये सवाल किए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप पहले उस मामले का जड़ पता करिए कि आखिर ये घटना हुई कैसे, इसका दोषी कौन है, ना कि उनका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाए। बुलडोजर से घर गिराने की बात जब वहाँ पे चली तो काफ़ी लोगों में आक्रोश फैली कि पहले इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि बुलडोजर चलाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल पहले तो मामला संज्ञान में आए, पता चले कि कौन उसके पीछे है, क्योंकि बिना कानून के आदेश के थोड़े वहाँ बुलडोजर चले गया है, कोई भी चीज़ होगा। जब पता चल जाएगा कि हाँ कौन अपराधी है तो ही वो प्रक्रिया बुलडोजर की हो सकती है। प्रेमचंद यादव के ऊपर भू माफिया, कई प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाए गए, जबकि कहीं पर उनका कोई भी मुकदमा, कोई भी केस उनका थाने में दर्ज नहीं है, तो भू माफिया कैसे हो गए? और उनकी जमीन, उनका जो घर बना हुआ है, वहाँ के लोग बता रहे 50 साल पहले से बना हुआ है, तो इसका संज्ञान तो प्रशासन को लेना चाहिए था पहले, जब उनका घर बन रहा था उस वक्त देखना चाहिए कि प्रेमचंद यादव मकान अपना कहाँ पे बनवा रहे हैं। जब इतनी बड़ी घटना हुई है तब उसकी 2 बार पैमाइश की गई है और उनकी घर गिराने की बात की जा रही थी। वही तो कानून का काम है और वो कानून को करना चाहिए और कानून करेगा उसको। अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो आरोप लगाने के लिए तो आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आरोप तय ना हो जाए तब तक आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते ना। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक कानून उसको ये ना कह दे कि हाँ भाई ये जो आरोप लगा है वो सही है, तो वो कानून ही उसको डिसाइड कर पाएगा। वहाँ के पूर्व विधायक खोखा सिंह हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं सल्लम मड़ी के ऊपर, और उनका एक कोई और मंत्री हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं कि ये लोग अगर जांच होगी, सीबीआई जांच, तो इन लोगों का हाथ उसमें आएगा। तो सीबीआई जांच कराई जाए, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर भी आरोप है तो जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो सच है वो सामने आएगा, और जो भी अगर कोई लोग उसमें लिप्त हैं तो उनको सजा होगी निश्चित रूप से। उनके लोगों का ये भी कहना है कि जो सत्य प्रकाश दुबे का लड़का है, जो इस समय सल्लम मड़ी के शरण में है, उसी ने ये सब कांड किया है। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? फिर आप वही बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, मैं कौन हूँ बोलने वाला कि ऐसा हो सकता है? देखिए, आपकी सरकार है, आप वहाँ भी भाजपा 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 के भी वहाँ नेता, भाजपा के नेता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो आप तो बोल ही सकते हैं कुछ। नहीं नहीं, आपका सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ये कौन बताएगी क्या आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, जो कानून बोलेगा वही होगा। आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो लगता है, आपको लगता है, उससे कानून को क्या लेना देना है? पब्लिक जो आरोप लगाती है, आप लोगों का काम है उसका जवाब देना। नहीं, वो कानून तय करेगा। आरोप लगाने के लिए आप किसी पर कुछ भी आरोप लगा लीजिए, कोई आपके उस भीड़ में आपके ऊपर भी आरोप लगे कि दिनेश लाल यादव जी इस फिल्म में व्यस्त हैं, उन्होंने वो अभी तक इस परिवार से मिलने ना आए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपना जो काम है वो काम करता है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने संसदीय क्षेत्र में हूँ, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की जो परेशानियाँ वो देख रहा हूँ, साथ में यहाँ जो मेरा काम है वो भी कर रहा हूँ। वहाँ की बात जो आप कह रहे हैं, वहाँ जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं ऐसी राजनीति नहीं करता। मैं पहले ही कह दिया आपको कि जहाँ कुछ पता ही नहीं है, बस खाली दौड़ के चले गए वहाँ पर और जा कर के और किसी घटना को और भड़का दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अखिलेश यादव जी वहाँ पे जब आए थे तो बहुत काफ़ी भीड़ वहाँ पे हुई थी, पुलिस ने दौड़ाया भी, कई पत्रकारों को पीटा गया वहाँ भी, ऐसा क्यों किया गया? वहाँ पे बोला गया कि ये कुर्ता पहन के, अगर कोई पत्रकार कुर्ता पहन के वहाँ पे चला जाए तो उसे ऐसे मारा जाएगा, उसको बहुत चोट लगी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों, किसी को भी मारने का तो कोई हक नहीं है। पर हाँ, कोई बहुत बड़े नेता वहाँ आते हैं तो चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो भी देखना ज़रूरी है कि अगर कोई उनके आसपास आ रहा है तो वो देखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मीडिया के भेस में ही जा कर के और हत्याएं हो जाती है। तो वो पुलिस अपना कानून अपना काम करती है, उनको भी देखना है, सुरक्षा भी रखनी है, और सुरक्षा व्यवस्था बनाना भी तो उनका काम है। लेकिन सर, वहाँ हम भी गए थे, प्रेमचंद के घर के अंदर एंट्री नहीं करने दिया गया,
और बाकी अगर हम दुबे परिवार के पास जाते थे तो वहाँ कोई रोकता नहीं था, हमारी शिकायत है आपसे। कौन रोक रहा था वहाँ? वहाँ के प्रशासन रोक रहे थे, नहीं जाने दिया, हम वहाँ 10 दिन पड़े थे। तो कोई वहाँ पे अभी भी रोक रहे हैं क्या? कितना दिन रोकेंगे? 2 दिन पहले हम वहाँ से आए हैं। तो कितना दिन रोकेंगे? देखिए क्या है, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई भी हो, अगर आप सच निकालना चाहेंगे तो कोई कितना दिन रोक लेगा? अगर जो सच है वो सामने आएगा ही, अगर कोई रोक भी रहा है तो मूर्खता कर रहा है, उसके रोकने से कुछ नहीं होगा, जो सच है वो तो दुनिया के सामने आएगा। आज नहीं, वहाँ तो पे लिस्ट जारी की जा रही थी कौन कौन पत्रकार घुसेंगे इसके अंदर, वहाँ पर यूट्यूबर को जाना मना है। ऐसा क्यों? जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल है और आके बोलते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो अगर हम यूट्यूबर हैं, अपने जो गाँव समाज की खबरें होती हैं दिखाते हैं, तो क्या गलत करते हैं? कुछ गलत नहीं करते हैं। और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो मैं क्या बोलूँ कि किसको रोका गया, किसको नहीं रोका गया, क्यों रोका गया। कभी कभी क्या होता है कि जो वहाँ पे जांच कर रहे होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब वो क्या सोच के रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनको ही पता होगा, अधिकारियों को पता होगा। तो आप, आखिरी सवाल हमारा आपसे, आप कब जा रहे हैं परिवार से मिलने, संवेदनाएँ व्यक्त करने? अब बिल्कुल जाएंगे। एक बार कानून को अपना काम करने दीजिए, चीज़ों को सब हो जाने दीजिए, पता चल जाए कि आखिर क्या ये ऐसा क्यों हुआ जी। क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, न किसी परिवार में होना चाहिए, न किसी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि ये तो अमानवीय है ना कि किसी परिवार के इतने लोगों को ऐसे मार देना किसी भी वजह से ठीक नहीं है। तो अब कानून अपना काम कर रहा है, जैसे चीज़ें समझ में आएंगी फिर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांसद जी की बातों से कितना सहमत हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।